इस टाइप से फोटो एडिटिंग सीखना है। सो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल के आइकन ऑल पे सेट नहीं करते प्लीज़ ऑल पे सेट कर लें, ताकि इस टाइप से फोटो एडिटिंग की वीडियोस डालूँ तो आप तक सबसे पहले आ सके। सो लेट्स स्टार्टेड। सो सिंपली लाइट रूम ओपन कर लेंगे। लाइट रूम ओपन करने के बाद फोटो ऐड कर लेना है लाइट रूम पे। सो लाइट रूम पे फोटो ऐड करने के बाद क्या करना है आपको, ये प्लस के आइकन पे एक बार क्लिक करेंगे ऑटो पे। देन ऑटो पे क्लिक करने के बाद जाना है लाइट पे। देन लाइट पे जाने के बाद एक्सपोजर को हल्का सा माइनस कर देंगे, 0.14 के अराउंड आसपास रख देंगे। सो इतना करने के बाद कंट्रास्ट पे जाना है। देन कंट्रास्ट को हल्का सा प्लस कर लेंगे 20। देन 20 करने के बाद चले जाना है हाईलाइट पे। देन हाईलाइट को माइनस कर लेना है 22। देन शेडोज़ को और हल्का सा प्लस कर लेंगे, 15 के अराउंड आसपास रख लेंगे। देन वाइट को हल्का सा प्लस कर लेंगे, 38 के अराउंड आसपास रख लेंगे। देन ब्लैक्स को माइनस कर लेंगे, 14 के अराउंड आसपास रख लेंगे। देन कर देना डन। सो इतना करने के बाद क्या करना है, चले जाना है मिक्स पे। सो मिक्स पे जाने के बाद ये ऑरेंज कलर पे क्लिक करना है। देन ये ऑरेंज कलर को यू को कर देना है माइनस 42 के अराउंड आसपास रख देंगे। देन सेचुरेशन को हल्का सा प्लस कर लेना है 11। देन चले जाना है लूमिनस पे, लूमिनस को प्लस कर लेंगे 42 के अराउंड आसपास रख देंगे। सो इतना करने के बाद येलो कलर पे क्लिक करना है। देन इसका ह्यू को प्लस कर लेंगे 86 के अराउंड आसपास रख लेंगे। देन सेचुरेशन को इसका सेचुरेशन को कर लेना है 15 के अराउंड आसपास रख लेंगे। सो इतना करने के बाद लूमिनस को कर देना है 100। सो 100 करने के बाद ये ग्रीन कलर पे क्लिक करना है। देन इसका ह्यू को प्लस कर लेंगे 7। देन सेचुरेशन को प्लस कर लेंगे 46 के अराउंड आसपास रख लेंगे। सो इतना करने के बाद लूमिनस पे जाना है। देन लूमिनस को माइनस कर लेना है 12 के अराउंड आसपास रख लेंगे। सो इतना करने के बाद देना डन। सो डन करने के बाद ये ग्रेडिंग पे जाना है। देन ग्रेडिंग पे जाने के बाद कुछ हल्का सा कुछ इस टाइप से ग्रीन कलर साइड कर लेंगे। सो इतना करने के बाद स्क्रॉल अप करना है। देन अप करने के बाद ये लूमिनस को हल्का सा माइनस कर लेंगे 51। देन 51 करने के बाद जाना है ब्लेंडिंग पे। देन ब्लेंडिंग पे जाने के बाद इसका ब्लेंडिंग को माइनस कर लेना है 42। देन बैलेंस को कर देना है 15 माइनस। देन कर देना डन। सो टर्न करने के बाद जाना है इफेक्ट पे। देन इफेक्ट पे जाने के बाद टेक्सचर को इसका कर लेना है 43। देन क्लैरिटी को माइनस कर लेंगे 10। सो आ जाना है बैक। सो तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को ऑल सेट नहीं करते प्लीज़ ऑल सेट कर लें, ताकि इस टाइप से फोटो एडिटिंग की वीडियोस डालूँ तो आप तक सबसे पहले आ सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।